नाम के बच्चे को, जो 6 वर्ष का बच्चा है, स्कूल में किसी सीनियर छात्रा ने, 11 वर्ष की छात्रा ने चाकू से मारा, उसके चेहरे पर चोटें हैं, छाती में, सीने पर चोटें हैं और पेट में चोटें हैं। तो चूँकि इस तरह से सामाजिक, इस तरह का समाज के विघटन की स्थिति को ये दिखाता है, इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए और ये भी उन्होंने देखने का प्रयास किया कि इलाज में कोई और कुछ अगर आगे करने की आवश्यकता है तो सरकार की तरफ से कोई सहयोग की आवश्यकता तो वो भी देने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया। सर, इस वक्त बच्चे की हालत कैसी है? अभी बच्चे की हालत बिल्कुल ठीक है, चेहरे का घाव और सीने का घाव बिल्कुल खतरे में, उसमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन पेट का जो घाव है चाकू से, वो पेट में भीतर तक चला गया है और वहाँ पे आंतों में नहीं छेद हुआ है, वहाँ पे पेरिटोनियम जो आंतों की कवरिंग होती है वहाँ पे गया है इनफेक्ट चोट चाकू, तो उसमें एंटीबायोटिक से उम्मीद है कि बिना ऑपरेशन के ही सफल इलाज हो जाएगा। उसके लिए लगातार देख रहे हैं, जो उसके जांचें होती वो भी करवाई जा चुकी है, फिर पुनः करवाई जाएंगी और जैसी आवश्यकता होगी सारे इलाज को विश्वविद्यालय की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है, लेकिन अगर आवश्यकता होगी तो सरकार की तरफ से आश्वासन है, जिला प्रशासन की तरफ से, DM साहब, SSP साहब सब लोग यहाँ उपस्थित थे, तो हर तरह का सहयोग सबसे मिलने की का पूरा आश्वासन है।